नमस्कार दोस्तों, सिंपल लिविंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अपने कुछ इंडोर प्लांट्स दिखाऊंगी और उनके नाम भी बताऊंगी। तो उसमें लेकिन मैं आज आपको उसके केयर टिप्स नहीं बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कुल 20 जो इंडोर प्लांट्स हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने घर में लगाया हुआ है बालकनी में, और सारे ही प्लांट्स मेरे कंटेनर में लगे हुए हैं। तो अगर जैसे आपको भी खरीदना हो इंडोर प्लांट्स, तो आपको वो देख के आप समझ सकते हैं कि उनके नाम कौन से हैं, कौन से आपको अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर उसके केयर टिप्स के बारे में आपको जानना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और क्योंकि अगर मैं आपको सबके एक एक के बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों लेकिन हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं शुरुआत में आपको इससे कर रही हूँ। ये देखिए कोलियस है और ये खूब खिला हुआ है, खूब अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए सब कंटेनर में ही लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट आपको मैं आप सिर्फ नाम बताऊंगी, ओके? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो शेयर करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों मेरा सेकंड प्लांट है सेंसेवेरिया, मदर इन लॉ टंग बोलते हैं इसको, और बहुत ज्यादा अच्छा प्लांट होता है दोस्तों। ये एयर प्योरीफायर प्लांट है और नासा रिकमेंडेड है दोस्तों। ये इस कहीं भी किसी तरह की भी धूप में चल जाता है, अंधेरा हो तो भी चल जाएगा। ये घर के अंदर भी लगाने के लिए अच्छा रहता है, और इसको मैंने कई लगाया हुआ है। थर्ड मेरा प्लांट है डेफिन बेचिया। ये देखिए ये इसके पत्ते कितनी अच्छी ग्रोथ है। मैं सारे बस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ दोस्तों, मैं कभी भी कोई केमिकल नहीं यूज़ करती हूँ। इसकी ये दूसरी वैरायटी है। फोर्थ है मेरा प्लांट ड्रेसिना। ये देखिए इसमें ना और भी ग्रीन पत्ती भी आती है। फिफ्थ नंबर का प्लांट है मेरा ये फर्न है, ये भी एयर प्योरीफायर प्लांट है, आप इसको भी लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और एयर प्योरीफायर तो है ही है ये। और इसके अलावा दोस्तों ये है देखिए क्रिसमस ट्री, ये एक ये छोटा मेरा लगा हुआ है गमले में, गमले में ये सारे ही लगे हुए हैं, और ये एक दूसरा है, ये बड़ा है, ये इसकी हाइट खूब अच्छी हो गई है। ये देखिए हेरिकेरिया, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इसके अलावा मैं आपको भी ये देखिए इसकी हाइट देखिए कितनी अच्छी हो रही है, कितना सुंदर लग रहा है ना। सेवन्थ हो गया मेरा स्टारलाइट वेरिगेटेड फाइकस। इसमें बहुत और भी कलर की मतलब और भी उसके आते हैं पत्तियों के इसमें। फिलोडेंड्रन ये देखिए एट्थ नंबर का मेरा ये हो गया। इसके पत्ते इस तरीके से बड़े बड़े से रहते हैं और थोड़ा इसको सपोर्ट चाहिए होता है। मैं सब इसके केयर टिप्स आपको बाद में बता दूंगी, अभी मैं सिर्फ केवल नाम बता रही हूँ, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी से। और ये हो गया मेरा नाइन्थ नंबर पे ये है टर्टल वाइन, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसको आप देखिए देख रहे मैं कितनी छोटे से उसमें मैंने पॉट में लगाया हुआ, कितना छोटा सा है ये। और आपके घर में अगर धूप बहुत कम आती हो तो इसको धूप भी नहीं मिले। ये देखिए हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया हुआ है, बहुत प्यारा प्लांट होता है ये, और बिल्कुल कोई केयर एयर इसकी नहीं करनी पड़ती, बहुत सुंदर सा होता है ये। इसको इसके लगाना भी बहुत आसान है, इसको मैं इसको भी बाद में आपको बता दूंगी कि कैसे इसको किस तरीके से लगाते हैं। और ये देखिए ये वांडरिंग जियो है ना, ये कितनी सुंदर इसकी पत्ती लगती है, ऐसा लगता है जैसे पेंट कर दिया गया हो, कितना अच्छा लगता है। हाँ ये भी बास्केट में आप लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है जेब्रीना, ये इस तरीके से ना गमले में भी लग सकता है, लेकिन मैंने आपको बास्केट के लिए बता दिया। अलेवेंथ पे अरेलिया, अरेलिया में बहुत सारे वैरायटीज आती हैं दोस्तों, ये मेरा ऐसा है, इसमें वेरीगेटेड भी आती हैं, बहुत टाइप की आती हैं। मेरे पास ये वाला है, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ट्वेल्थ हो गया आपका ये रबर प्लांट है ना, इसकी देखिए इसके पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए मैंने अभी
ये धूप में भी चल जाता है, ये कहीं भी रख दीजिए, बहुत ही, ये देखिए इसकी न्यू ग्रोथ इसके पत्ते की स्टार्ट हो रही है। 13th है आपका ये मॉन्स्टेरिया, ये देखिए इसके पत्ते, इसके कितने अच्छे, ये सब मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक ही सारी चीज़ें मैं इसमें यूज़ करती हूँ। और ये इसके देखिए सब अच्छे अच्छे पत्ते निकल ही रहे हैं बहुत जल्द। साइगोनियम 14th हो गया, ये तो ये एरो, वो एरो हेड वाला है, मैंने और भी लगाया हुआ है, बस अभी मैंने थोड़ी सी इसकी बस ऐसे कटिंग लगाई हुई थी छोटी छोटी सी, तो मैंने आपको दिखा दिया। इसको मैंने और अभी शिफ्ट करना है इधर उधर सब जगह पे, ऐसे छोटे छोटे से पॉट्स में लगाया हुआ है मैंने, तो अभी बहुत ही अच्छा, ये भी प्लांट बहुत अच्छा रहता है ये वाला। 15th दोस्तों, सभी आप जानते ही हैं इसको, तो बिल्कुल मनी प्लांट कहीं भी लगा दीजिए, मिट्टी में लगाइए, आप हैंगिंग बास्केट बनाइए, है ना। ये देखिए मैंने सॉइल में लगाया हुआ है, ये मैं आपको नया नया वाला बिल्कुल, ये देखिए ये ऐसे बस पानी में ग्रो कर दिया है, ये सब बॉटल्स में लगा दिया है, ये तो खूब बहुत अच्छा लगता है ये भी बिल्कुल एयर प्योरीफायर करता ही है। एलोवेरा, ये और भी मैंने बहुत सारा एलोवेरा लगाया हुआ है। क्रोटन दोस्तों, 17th मेरा हो गया क्रोटन, इसकी वैरायटी बहुत सारी है मेरे पास, ये एक और है, और भी मैंने उधर रखी है छत पे। एरेका बाम दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से सब लोग जानते ही हैं इसको, तो ये हो गया, ये भी अच्छा इंडोर प्लांट है ना, बहुत सुंदर लगता है ये। और दोस्तों ये 19th है मेरा, अम्ब्रेला पाम है ना, ये बहुत बढ़िया प्लांट प्लांट है ये, देखिए इसकी मैं इसका आपको बाद में इसका सब कुछ बता दूंगी, बहुत अच्छा रहता है ये बिल्कुल, इसकी इसकी भी ज़्यादा केयर कुछ नहीं करनी पड़ती दोस्तों। ये मोरपंख वही थ्योजा 20th हो मैंने गया, आपको दोस्तों तो अपने थोड़े से 20 प्लांट्स दिखा दिए, मैंने सारे नहीं दिखाए हैं क्योंकि अभी सर्दियां अभी बस जाके चुकी हैं, अभी खत्म हुई हैं, अब स्प्रिंग सीजन है थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है अब, और तो वो मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाती रहूंगी, और अगर कोई केयर टिप्स आपको चाहिए तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना काफी है ना, और कुछ बहुत से प्लांट्स ऐसे अभी लगे हुए हैं जो मैंने नहीं आपके साथ शेयर किए, क्योंकि और मैंने बहुत जल्दी जल्दी कोशिश की है कि आपको मैं सब जो भी थोड़े बहुत हैं मैं आपको वो दिखा दूं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से फूलों के साथ, प्लांट्स के साथ, टिल देन बाय, थैंक यू।